हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं हम किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा क्या है, इसके अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, इसका निर्माण कौन किया था, इन सभी बातों को समझते हुए हम बहुत आगे की ओर चलेंगे। किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीवों को इसके अंदर रखा गया है, इन सभी को हम समझेंगे। चलिए आज से इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा, तो ये आया कहां से, किंगडम मोनेरा का निर्माण कहां से हुआ, या किंगडम मोनेरा को हम पढ़ते क्यों है, इन सभी चीजों की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा, यानी कि दो जगत वर्गीकरण पद्धति पढ़ा होगा। फिर इसके बाद बात करें, आपने पढ़ा होगा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं तीन जगत वर्गीकरण पद्धति। फिर आपने पढ़ा होगा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं चार जगत वर्गीकरण पद्धति। फिर लास्ट में आपने पढ़ा होगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। ये चीजें पर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, थ्री किंगडम किसने दिया, फोर किंगडम किसने दिया और फाइव किंगडम किसने दिया। तो बेटा यहां पर आप अच्छे से जान लो कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस, जिन्हें क्लासिफिकेशन का फादर के नाम से जाना जाता है, वर्गीकरण के जनक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीन जगत की बात करें तो तीन जगत के जो फादर हैं वो अर्नेस्ट हेकल हैं, जिन्होंने सभी जीवों को इस पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले को तीन भाग में बांटा, ठीक है। देन उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ भाई, कॉपलैंड नाम के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नए जगत का निर्माण किया, जिसको हम जगत मोनेरा कहते हैं। उस जगत मोनेरा का निर्माण किया और उसके बाद चार किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, सभी जगहों पर मान्य वर्गीकरण है और इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है आर.एच. व्हिटेकर। तो देता यहां पर अगर हम बात करते हैं कि हमको किंगडम मोनेरा आया कहां से, तो किंगडम मोनेरा जो आया अर्नेस्ट हेकल के बाद जो क्लासिफिकेशन दिया गया कॉपलैंड नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो वहीं पर किंगडम मोनेरा आया। देन बेटा अगर हम आगे की ओर चलते हैं, यहां पर देखिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से एक बात आपको समझना पड़ेगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से बात क्या है कि फाइव किंगडम में होते कितने लोग हैं, तो फाइव किंगडम के अंदर होते हैं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है। तो हमें क्या बताया कि फाइव किंगडम में क्या होता है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा होता है, उसके बाद क्या होता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद आता है किंगडम फंजाई, फिर इसके बाद आता है किंगडम प्लांटी, फिर इसके बाद आता है किंगडम एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया आता है। क्या आता है भाई, इसी बार से देख लेते हैं यहां पर हिंदी में, तो हमने कहा क्या डायरेक्टली मैं ऐसे ही नाम लिखता हूं, मोनेरा आ रहा है, ठीक है, मोनेरा आ रहा है,
प्रोटिस्टा आ रहा है, फंजाई यानी कि कवक आ रहा है, प्लांट यानी कि पादप आ रहा है, एनिमलिया यानी कि जंतु आ रहा है। ठीक है, ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये चीजें आ रही है। तो यहां पर आपको जो आज पढ़ना है वो आपको पता है। क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल से। तो यहां पर मैं आपको ज्यादा डिटेल या ज्यादा अंदर तक नहीं लेकर जाऊंगा, यहां पर मैं आपको किंगडम मोनेरा के बेसिक फीचर्स बताऊंगा, कौन से मेंबर आते हैं उनके बेसिक फीचर्स को बताऊंगा, देन अगले क्लास में मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपने इस सभी चीजों को पढ़ लिया है, नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करें कि किंगडम मोनेरा का बेसिक फीचर क्या है। अगर पूछता है कोई कि भाई किंगडम मोनेरा का बेसिक फीचर बताइए, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा भाई बैक्टीरिया का बेसिक फीचर ये होता है। बात अलग है, बैक्टीरिया का बेसिक फीचर जो है सो है, और अगर हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के बेसिक फीचर की, तो उसकी भी बेसिक फीचर है तो है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की, जगत मोनेरा। तो जगत मोनेरा क्या है? एक ऐसे जीवधारियों का समूह है जहां पर प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिकीय संगठन वाले जीवाणु पाए जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो मोनेरा किंगडम के जो सदस्य होते हैं ना, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आनुवांशिक पदार्थ होता है ना कहते हैं, वो आनुवांशिक पदार्थ किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाते, वो ऐसे ही नंगे पुंगे पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम बात करें तो जो किंगडम मोनेरा होते हैं ना, इनके जो सदस्य होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है ना भाई, उसको ये फिक्स कर देते हैं नाइट्राइड्स में, नाइट्रेट्स में, अमोनिया में, ये फिक्स कर देते हैं भाई। नाइट्रोजन को लिया इधर से और इधर अमोनिया बनाकर रख दिया, इधर से नाइट्रोजन को लिया इधर नाइट्रेट बनाकर रख दिया, इधर से अमोनिया लिया और इधर नाइट्राइड बनाकर रख दिया। ये इस तरीके से काम करते हैं। कौन? किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम नाइट्रासोमोनास है, ये नाइट्रासोमोनास है, यहां से नाइट्रोजन पाया, यहां लिया और तुरंत यहां बदल दिया नाइट्रेट में, यहां से पाया नाइट्रोजन और यहां से लिया नाइट्राइड में बदल दिया। ये काम करता है किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होता है भाई ना, वो किंगडम मोनेरा का एक पार्टिकुलर सदस्य है। ठीक है, जिसके अंदर कई मेंबर आते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें सामान लक्षण की, जगत मोनेरा के सामान लक्षण, सामान्य लक्षण यानी कि जनरल फीचर, जनरल फीचर की अगर हम बेटा बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर हमने क्या बताया कि जगत मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन वाले जीव पाए जाते हैं। हमने क्या कहा कि इन किंगडम मोनेरा, इन किंगडम मोनेरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट प्रेजेंट विच हैज प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पाया जाता है, उस टाइप के बैक्टीरिया यहां पर उपस्थित होते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जो मेन पॉइंट है मैं उसी को बता रहा हूं। दूसरी बात, यहां पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है मतलब क्या हो जाएगा?
न्यूक्लियस क्या होता है भाई? अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आगे बात कर रहे हैं, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो भी नहीं पाए जाते, यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्या होता है मैं बैक्टीरिया के लिए बताऊंगा तो बता दूंगा, झिल्लीबद्ध, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब नहीं पाए जाते। ओके समझ में आ, ये हो गया किंगडम मोनेरा का बेसिक फीचर। एक फीचर और मैं बता देता हूं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि दीज आर फोटोसिंथेटिक, दीज आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा, कुछ सदस्य इसके पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं इस पेन से कि इस जगत की के कुछ सदस्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सम मेंबर ऑफ दिस किंगडम, सम मेंबर ऑफ दिस किंगडम work yeah this kingdom done atmospheric nitrogen fixation, atmospheric nitrogen fixation तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो सके। चलते आगे, चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर आगे कि किंगडम मोनेरा का जो प्रमुख सदस्य है वो क्या है, ठीक है, आत्मा क्या है किंगडम मोनेरा का, परमात्मा क्या है, या इसके अंदर जो मुख्य है वो क्या चीज है, इसका मेन क्या है, मालिक कौन सा है। तो हम बात करें सोल मेंबर, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के मुख्य सदस्य की बात करें, मोनेरा, मोनेरा जगत के मुख्य सदस्य, मोनेरा जगत के मुख्य सदस्य की बात करें तो यहां पर आता है भाई बैक्टीरिया, जीवाणु जो है भाई वो किंगडम मोनेरा का मुख्य सदस्य है। अब जीवाणु के बारे में हम कुछ विशेष बातों की बात कर रहे हैं, जैसे इसकी खोज की बात कर रहे हैं,
डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, इसके खोज, इसकी डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी भैया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, जिसको ए वी लीवेनहॉफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ए वी लीवेन हिंदी नाम इंग्लिश नाम एक ही है, एक ही लिख रहा हूं मैं, ए वी लीवेनहॉफ। कहां किया था, प्लेस क्या है, प्लेस क्या है, कहां किया था? तो इसने क्या किया था, वाटर, जिसको हम कहते हैं पानी, लार, जिसको हम कहते हैं सलाइवा, लार, दांतों का मैल, दांतों का मैल, जिसको हम कहते हैं इनेमल, इनेमल। इन जगहों पर इन्होंने खोज किया था, जहां पर इन्होंने देखा था बैक्टीरिया को सबसे पहली बार, ये वो जगह है। नाम क्या दिया था, गिव नेम, गिव नेम, कौन सा नाम, जीवाणु का नाम सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने क्या दिया था, तो इसको इन्होंने कहा था एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स। एनी मॉलिक्यूल्स शब्द का प्रयोग किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया के लिए इन्होंने एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ शब्द ने एनी मॉलिक्यूल्स शब्द का प्रयोग किया था। देन हम बात कर रहे हैं ये जो बैक्टीरिया टर्म है ना, टर्म बैक्टीरिया की बात करें, यानी कि जीवाणु शब्द की किस बात कर रहे हैं, तो जीवाणु शब्द किसने दिया था, तो सबसे पहले जो जीवाणु शब्द है वो एरन बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, एरन बर्ग। ठीक है, एरन बर्ग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो जीवाणु होता है उसका अध्ययन कहां पर किया जाता है, जीवाणु का अध्ययन यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो इसको हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। देन अगले पॉइंट पे अगर हम बेटा बात कर रहे हैं तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ जो है, जिसको हम ए वी लीवेनहॉफ के नाम से जानते हैं, इन्हें ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना गया। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, लुईस पास्टर नाम के वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो दूध है उसके अंदर जो किण्वन होता है, या किसी भी चीज के अंदर जो किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले किंगडम मोनेरा के एक सदस्य को लिया, जिसका नाम उन्होंने बैक्टीरिया दिया, ये पार्टिकुलर नाम नहीं दिया उन्होंने, बैक्टीरिया कहा कि कुछ तो है जो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन में हेल्प करता है, और वो सूक्ष्म जीव है, तो बाद में पता चला कि वो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। उसके बाद हम बात करें, एक रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने एंथ्रेक्स, वह जो क्षय रोग होता है जिसको हम टीबी कहते हैं,
उसके बारे में पता लगाया और बताया कि ये जो एंथ्रेक्स है या जो टीवी है, ये सभी रोग जो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ठीक है, जो एंथ्रेक्स की बात कर रहे हैं, एंथ्रेक्स जो रोग है भाई, एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रोक्सिस के नाम से कारण होता है, बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रोक्सिस के कारण होता है। और जो टीबी है वो ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। समझ में आया बेटा? अच्छे समझ में आया? चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं अगले पॉइंट को इस बोर्ड पर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा के वर्गीकरण, अभी क्या बात करेंगे, किंगडम मोनेरा के वर्गीकरण यानी कि जगत मोनेरा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा यानी कि हम बात कर रहे हैं जगत मोनेरा का वर्गीकरण। ठीक है, जगत मोनेरा का वर्गीकरण। तो जगत मोनेरा को दो भागों में बांटा गया है, पहला जो भाग है वो आर्की बैक्टीरिया है, दूसरा है यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे नंबर पर आता है यू बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं सत्य बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि हम बात करें इंग्लिश में कहते हैं यू बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। बात समझ गया बेटा? अब देखो जो ट्रू बैक्टीरिया है, नहीं नहीं जो सत्य जीवाणु है, इसको बांटा गया है नीली हरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नीली हरी शैवाल जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो इसके बाद माइकोप्लाज्मा इसमें आता है और कुछ वास्तविक बैक्टीरिया आते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। तो इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ क्या आ जाते हैं, वास्तविक जीवाणु आ जाते हैं, वास्तविक जीवाणु यानी कि हम बात करें ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर बीजीए नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या फिर इसी को हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, और इसी के अंदर आ जाता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया या स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा ये ट्रू बैक्टीरिया के अंदर यानी कि सत्य बैक्टीरिया जो होता है यू बैक्टीरिया के अंदर आने वाला। इसके अंदर एक मेंबर आता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो रोग उत्पन्न करता है बच्चों के अंदर निमोनिया रोग, जिसको PPLO माइकोप्लाज्मा का एक मेंबर है जो रोग उत्पन्न करता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? अब चलिए हम इस अध्याय के अंदर जो समझेंगे, इस लेसन के अंदर समझेंगे वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया हमारा मेन फोकस होगा। भाई बैक्टीरिया का बेसिक कैरेक्टर क्या है सबसे पहले उसको जान लेते हैं, देन उसके बाद उसके बहुत सारे फीचर्स को जानेंगे, बैक्टीरिया के प्रकार को जानेंगे, बैक्टीरिया में कैसे लोकोमोशन होता है उसको जानेंगे, उसकी सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी पूरी बॉडी की संरचना को हम देखेंगे। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर।
जीवाणु का समान लक्षण। जीवाणु का सामान्य लक्षण, जीवाणु का सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर में, तो ये पाया कहां जाता है, इसका निवास स्थान कहां पर है बेटा? तो इसके निवास स्थान की हम बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज इसके अंदर है, ये सभी जगहों पर पाया जाता है, चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, चाहे कितनी ठंडी आ जाए, सभी जगहों पर पाया जाता है, यानी कि ये सर्वव्यापी होता है, एवरीव्हेयर। इसके लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसका नाम है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, सर्वव्यापी होता है। जीवाणु की हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं, निवास स्थान की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं भैया, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, सभी जगहों पर पाए जाने वाले, ठीक है, सभी जगहों पर पाया जाए, जिसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन यानी कि फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। जैसे हम बात कर रहे हैं एवरीवेयर में कहां पा हो जाएगा, ये हम बात कर रहे हैं तो गर्म झरने में भी पाए जाते हैं, या गर्म जल में पाए जाते हैं, गर्म जल, ठीक है, गर्म जल में पाए जाते हैं, हॉट वाटर। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं, ये बर्फ में भी पाए जाते हैं, इन स्नो। तीसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पाए जाते हैं कम पीएच मान, लो पीएच वैल्यू में, लो पीएच वैल्यू में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मवेशियों के आहार नाल, में पाए जाते हैं, गट इन रूमेंट्स, गट ऑफ रोमेट्स के अंदर भी पाया जाता है। रोमेट्स का मतलब क्या था भैया, जो गाय भैंस होते हैं उनके अंदर। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनके जो गट होता है, मवेशियों का जो आहार नाल होता है वहां पर जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, स्पेशली जो आहार नाल में पाए जाने वाले होते हैं मवेशियों के, उसको हम कहते हैं मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस कहते हैं। और बेसिकली जो आपके हॉट वाटर में पाए जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा तापमान वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, वहां पर भी पाए जाते हैं, उसको हम थर्मोफिल्स के नाम से जानते हैं। और जो कम पीएच में जाने पाए जाते हैं उसको हम एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है उनका निवास स्थान जहां पर ये पाए जाते हैं। आपको पता चल गया, मैंने आपको एक मेन चीज बता दिया भाई, जो जानवरों के गट में पाया जाता है उसके अंदर आता है मेथेनोजेंस, मेथेन का प्रोडक्शन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं बेसिक फीचर को बारी बारी से। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की इसके अंदर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। बेसिक बातें हैं वो हम समझते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल,
प्रेजेंट। तो सेल वॉल बनी किसकी होती है भैया? सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल बनी होती है। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने अभी पीनम मुनेरा का कुछ सवाल लिखा था कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, झिल्लीबद्ध या झिल्ली युक्त कहते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते मतलब क्या होता है भाई इसका, कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, ये जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसके हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी कुछ बेसिक नामों की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं। जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जरूरत नहीं है लिखने की। लाइसोसोम, इसको भी लाइसोसोम कहते हैं। हिंदी में जाए तो कोशिका की आत्मघाती झिल्ली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःप्रदक वेह जालिका कहते हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका नहीं पाई जाती। ये सभी क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। ये सभी क्या है? झिल्लीबद्ध कोशिकांग है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सभी नहीं पाए जाते। बात समझ में आया बेटा? चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो लेस डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस विकसित होता ही नहीं है। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब बात ये आती भाई, हमने तो पढ़ा था बचपन से ही, क्लास सिक्स से ही, फाइव से ही हमने पढ़ा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन यहाँ तो एकदम से उल्टा हो गया, एकदम से पूरा खेल बदल गया। खेल क्या था? हमने पढ़ा था कि केंद्रक जो होता है भाई, केंद्रक के अंदर ही सभी जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्रक ही नहीं पाया जाता, तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर? तो सिंपल सी बात है भाई, जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो पाया जाता है इसके कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म, ये होगी। इतनी सी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए अगर हम इसमें राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम किस टाइप का पाया जाता है? तो 70 इस प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, 70 इस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम की बात कर रहे हैं, 70 इस प्रकार का, टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है।
70S टाइप का राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझ में बेटा, अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, मेन बात प्रकाश संश्लेषण होता है। लिख दें, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये रसायन संश्लेषण भी करता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कीमोसिंथेटिक भी, ये प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण व रसायन संश्लेषण संश्लेषी है। दीज आर फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में अभी तक आपको बताई है वो सारी बातें आपको जहन में उतर गई होगी, सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक जीवाणु के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टीबीटी।